हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटी रसेदार भिंडी की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने भिंडी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारी भिंडी को डाल के हम फ्राई करेंगे, अच्छे से लाल होने तक ये फ्राई करेंगे हम। और इधर हम मसालों के लिए तैयारी कर लेते हैं। हम ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च और लेंगे खटाई, आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। और धनिया पाउडर, इन सभी मसालों को मिलाकर हम पीस लेंगे। इधर अपनी भिंडी को भी देखेंगे चलाकर, इसे अच्छे से लाल होने तक भुनेंगे। इधर देखिए मसाले पीस लेते हैं सब मिला के। भिंडी भी हम चलाते रहेंगे। भिंडी फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी लाल भिंडी हुई है। अब हम उसी तेल में तेल को गरम कर लेंगे और उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को लाल होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से भुनेंगे लाल होने तक। थोड़ा ढक के भी भुनेंगे हम। ये देखिए मसाला लगभग भुन चुका है, थोड़ी देर और भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें अपने भिंडी ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे खटाई। इस तरह से भी थोड़ी देर भून लें। भिंडी अब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे, नमक लास्ट में ऐड करेंगे। भिंडी हमारी पहले ही 50% पक चुकी है तो फिर हमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। भिंडी अब पकने वाली है, इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। नमक को मिला लेंगे अच्छे से, कुछ देर और ढककर पकाएंगे।
आप चाहे तो ग्रेवी अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, और गाढ़ी कर लें या और पतली थोड़ा सा रखें। तो लीजिए, तैयार है हमारी ग्रेवी वाली चटपटी भिंडी। आप भी बनाएं और खाएं। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।